Good morning, children. Welcome to online classes of science standard 6. Today we shall discuss chapter 7, long answer type questions. Question number first, give the structure of a flower and label its part. आपको flower का structure बनाना है और उसके part को describe करना, उसको label करना है. तो यहाँ पे मैंने flower का structure draw किया हुआ है और इसके part देखिए. ये देखिए, यहाँ पे ये top में जो स्टील सी tube like structure दिख रही है, क्या है? And lower this is style and ये middle में circle type का है, ये बोल ठीक है, ये होती है. और इन तीनों को commonly हम इन तीनों के लिए एक word use करते हैं जिसको बोलते हैं pistil. और ये जो leaf like structure है ये क्या है, ये है petal. and now ये green जो नीचे leaves होती हैं ये तो ऊपर की, जैसे कोई flower है जैसे हमने hibiscus का लिया तो ऊपर ये जो उसकी red leaf होती है उसके outer surface पार्ट होते हैं उसको पेटल कहते हैं. जो नीचे जो स्मॉल बड्स टाइप की होती है जो किसी भी फ्लावर को बड़े स्टेज पे प्रोटेक्ट करती है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको सेपल कहते हैं. एंड नाउ हियर दीज आर ये स्मॉल लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज एंथर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज फिलामेंट एंड दीस कॉमनली नोन एज स्टैमन. एंथर और फिलामेंट को कॉमनली यूज वर्ड किया जाता है. स्टैमन, ये स्टैमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट. एंड नाउ ओवल्स, दिस वन इज ओवरी एंड ओवरी के अंदर होते हैं ये स्मॉल ओवल्स जो ओवरी के अंदर फॉर्म आउट होते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. सो नोट और यू कैन मेक ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड लेबल दैट्स पार्ट. ओके, सो नोट डाउन एंड कम.